हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनुष्की किचन विद ब्लॉग। गाइस, मैं आज फिर से एक नया रेसिपी का वीडियो लेके आई हूँ। मैं आज बनाने वाली हूँ, ये क्या है बोलिए तो, ये है लोटे मछली का रेसिपी। तो ये लोटे मछली मैं कैसे बनाई हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है और परफेक्ट तरीके से। देखिए, एक एक माछ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से है, बिल्कुल टूटा नहीं है। नॉर्मली लोटे माछ टूट जाता है, जैसे भी बनाओ टूट जाता है, लेकिन मेरे जैसे एक बार बना के देखिएगा, बिल्कुल नहीं टूटेगा। परफेक्ट तरीके से देखिए, एक एक मछली परफेक्ट तरीके से है, बिल्कुल भी नहीं टूटा है। तो गाइस, देखते रहिए मैं कैसे बनाती हूँ लोटे मछली का ये रेसिपी। तो गाइस, लोटे माछ बनाने के लिए देखिए, ये लोटे माछ है तो उसको काट के अच्छे से साफ़ा कर लिए है। इसको बीच में से दो टुकड़ा कर लेंगे, ऐसा टुकड़ों में काट लेंगे। टुकड़ों में काट के रेसिपी बनाएंगे, तो मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए मैं कैसे बनाती हूँ लोटे माछ का रेसिपी। तो गाइस देखिए, लोटे मछली को मैं काट ली हूँ दो टुकड़ों में, एक टू मछली को दो टुकड़े किए हैं, तो इस तरह से काट लिए हैं। नॉर्मली लोटे मछली बहुत नरम होता है, टूट जाता है, जैसे भी बनाओ टूट जाता है। तो मैं कैसे बनाती हूँ आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा डालेंगे, एक छोटा चम्मच हल्दी और थोड़ा सा नमक, इसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके रख देंगे, 10 मिनट रेस्ट में रख देंगे। तो इधर रेस्ट होते होते मेरा बाकी तैयारी भी हो जाएगा। तो देखिए, हल्दी नमक से मिक्स कर लिए, इसमें और कुछ मसाला नहीं डालेंगे, बाद में डालेंगे। तो देखिए, मिक्स करना हो गया है, इसको रेस्ट में रख देते हैं 5 मिनट। तो गाइस देखिए, इस तरफ एक पैन चढ़ा दिए है। ऐसा फैला हुआ पैन होने से या कढ़ाई होने से अच्छा होता है, क्योंकि लोटे मछली ज़्यादा चलाने से टूट जाता है। इस तरह का पैन हो तो बहुत अच्छा है। तो देखिए, पैन मेरा गर्म हो गया है, इसी में ऐड किया है सरसों का तेल। तेल अपना आप लोग अपना हिसाब से डाल सकते हैं। देखिए, मेरा तेल गर्म हो गया है, इसी में ऐड करेंगे साबुत जीरा। बहुत ही सिंपल सा रेसिपी है, झटपट बन जाता है, कोई झोर झमेला नहीं। तो देखिए, जीरा मेरा चटक गया है, इसी में हम लोग ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज जो पहले से कट के रखे थे। तो प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, ब्राउन कलर जैसा अच्छे से फ्राई करेंगे। तो प्याज में ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक कि प्याज जल्दी से गल जाए, सॉरी पक जाए, फ्राई हो जाए। तो गाइस देखिए, मेरा प्याज फ्राई हो गया है पूरा परफेक्ट तरीके से। इसी में हम लोग ऐड करेंगे पहले से एक बड़ा साइज का टमाटर पीस के रखे थे, तो इसको डाल देंगे। तो टमाटर का कच्चापन जब तक ना आ जाए तब तक थोड़ा सा पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम में। तो गाइस देखिए, टमाटर मेरा फ्राई हो गया है, इसी में ऐड करेंगे पहले से पेस्ट किया हुआ अदरक लहसुन, छोटा टुकड़ा प्याज और 3 हरी मिर्चें, इसको पेस्ट कर लिए थे, इसी को ऐड कर देंगे। देखिए, इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे जब तक कच्चापन टू ना जाए। फिर इसमें हम लोग कुछ और मसाला ऐड करेंगे। तो गाइस देखिए, मेरा प्याज लहसुन अदरक भी थोड़ा सा फ्राई हो गया है, इसी में हम लोग ऐड करेंगे एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा सा लगेगा,
और एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर थोड़ा सा, तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम में। तो गाइस देखिए मसाला मेरा फ्राई हो गया है, बस इतना ही फ्राई करना है। तेल छोड़ने लगा है देखिए, इसी में हम लोग ऐड कर देंगे पानी। मिक्सी का जार धो के थोड़ा सा पानी ऐड किए हैं। पानी अपना अपना हिसाब से आप लोग ऐड कर सकते हैं, ग्रेवी किस हिसाब से रखते हैं उसी हिसाब से। एक्चुअली लोटे मछली का ग्रेवी थोड़ा थिकनेस ही अच्छा लगता है, झोल अच्छा लगेगा नहीं तो थोड़ा पकने में टाइम लगेगा, इसीलिए थोड़ा सा पानी ऐड किए हैं। तो इसको हम लोग अच्छे से उबाल आने तक ढक के पकाएंगे। तो गाइस उबाल आ गया है देखिए, इसी में ऐड कर देंगे लोटे मछली। तो अभी इसको डालने के बाद सबसे ध्यान से करना है, हल्का हाथों से इसको मिक्स करना है। ये लोटे मछली बस देते टाइम ही बस चलाना है, उसके बाद और चलाने से टूट जाएगा। इसको हम लोग यहीं पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिए थे तो स्किप हो गया, आप लोग स्वाद अनुसार नमक ज़रूर ऐड करिएगा। नमक पहले से डाला हुआ है प्याज में मछली में, तो अपना हिसाब से ऐड करिएगा। तो ज़्यादा चलाना नहीं है, बस इस तरह से एक बार चलाना है, मछली डालने के संग संग चला देना है बस, और ज़्यादा नहीं चलाना है। इसको हम लोग ढक के पकाएंगे 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से, और चलाना नहीं है बस इतना ही। तो गाइस देखिए 3 से 4 मिनट जैसा हो गया है ढक के पकाए हैं, पानी भी मेरा सोख गया है देखिए। इसको अभी बिल्कुल नहीं चलाना है, इस तरह से थोड़ा हिला देना है। तो देखिए मेरा मछली बिल्कुल नहीं टूटा है, जिस तरह से है उस तरह से ही है। बस पैन को इस तरह से थोड़ा घुमा देना है और चला देना है, बस बनके तैयार है। देखिए मेरा लोटे मछली का रेसिपी बनके तैयार है, ग्रेवी थिकनेस बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप लोग भी इस तरह से एक बार बना के देखिएगा, लोटे मछली को बिना फ्राई किए ही इस तरह से एक बार बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी बनता है। मैं गैस ऑफ कर दी हूँ, देखिए मेरा रेसिपी बन के बिल्कुल तैयार है। तो चलिए सर्व करके दिखाती हूँ। तो गाइस देखिए फाइनली मेरा रेसिपी बन के बिल्कुल तैयार है, सर्व कर लिए हैं। देखिए एक भी मछली नहीं टूटा है, जिस तरह से बनाया है उसी तरह से है। तो आप लोग भी इस तरह से एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर ये मेरा रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जो न्यू है मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन करके मेरे साथ बने रहिएगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।